वो लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ सूबे को परेशान करके रख दिया है बल्कि वफाक कहने पे मजबूर है कि भाई नरवाल वालों का कोई मुकाबला नहीं है। जिंदाबाद। आज जो सूरत हाल है अभी और क्या क्या हमारे ऊपर प्रेशर है ये हम आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। जो बंदा आगे खड़ा होता है ना उसे अंदाजा होता है कि मामला क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं और किस किस्म का प्रेशर है। लेकिन हकीकत ये है कि जो आप हजरात के जज्बात हैं हमें आपकी नुमाइंदगी करते हुए यकीन माने ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखनी पड़ती हैं कि आप हजरात के जज्बात और आप हजरात के ईमान और मोहब्बत में किसी किस्म की कोई कमी कभी हमारी तरफ से कोई कमी ना रह जाए। ठीक है जी। बावजूद इसके हकीकत है कि कल रात को जब यहाँ पर मामला हो रहा था उधर मेरे घर में दोबारा से पुलिस ने 8-10 गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँची है और मेरी हमशीराएँ और मेरी वालदा को थप्पड़ तक मारे गए और मेरे छोटे मेरे एक ही भाई है मेरा छोटा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह धरने के अंदर मौजूद था मौजूद है। और उस वक्त वहाँ पर मैंने दोबारा जब मेरा रब्ता हुआ दिल तो यही था कि भी मैं उठ के अपने घर पहुँच जावा लेकिन आगे से माँ का जज्बा ये था उसने कहा पुत्र चढ़ी रात टूरे है ना और पीछा नहीं कोई नहीं है बड़ा यहाँ पर सब हुजूर के गुलाम है। जो हुजूर की गुलामी का हक अदा करेगा बस इज्जत उसी की है बाकी कोई मौलवी नहीं है कोई पीर नहीं है सब हुजूर के गुलाम है बस। और यही दस बाबा जी हमें देखे गए। ठीक है जी। अवैस की क्या हकीकत है हमनवी साहब की क्या हकीकत है हकीकत सिर्फ नाम मुस्तफ़ा की है वो कायनात जिसके लिए बनाई गई है बस उसी नाम की है बस। ये सारी कायनात अल्लाह ने अपने सोने हबीब के कदमों की खाक के लिए हमारे ऊपर बड़ा थ्रेट था बड़ा प्रेशर था और बाकायदा तौर पर ट्रेन बंदे जो बाज़ औक़ात एजेंसियों के लोग भी थे वो हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करते रहे मिलते रहे और मामला चलते रहे यहाँ तक कि ये आपके करीब ये जो कमरा सा छोटा सा बना हुआ यहाँ पर कुछ ट्रेन में से ट्रेन लोग भी लाए गए ये भी अंकंडा इख्तियार किया गया जी। कुछ बंदे तरीके लब्बैक के कारकुन बना के हमारे सामने खड़े कर दिए गए इसमें तरीके लब्बैक के कारकुनान है और वो मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं तो आप इजाजत दे दे। हमने कहा भी जो मर्जी कर लो जब मरकज ने कह दिया कि डक्का लाना है तो फिर अल्लाह बाकी हमें किसी की परवाह नहीं है। जिला नरवाल के कारकुनान ने मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा है खुदा की कसम जिनके मुंह पे ताड़ियां नहीं थी लेकिन वो बड़ों से ज्यादा आगे बढ़ के फ्रंट लाइन पर पुलिस का मुकाबला।